नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे यूपी की खबरों पर। कानपुर में कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में 20 टन ऑक्सीजन रायबरेली से कानपुर पहुंच चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ऑक्सीजन लेकर पहुंचे, जिससे अब कानपुर के सभी छोटे बड़े हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिल जाएगी। महराजगंज में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान हुआ। जिले की 47 जिला पंचायत, 882 ग्राम पंचायत, 1167 क्षेत्र पंचायत, 11280 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सुबह 6 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। बदायूं में पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे भी चले। बदायूं के मीरा सराय गांव की पूरी घटना है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया। दरअसल मतदान से पहले कल मारपीट की घटना हुई थी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। यूपी के अमरोहा जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान हुआ। मतदाता सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आए, लेकिन कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया गया। गाजीपुर के भावर कोल ब्लॉक में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीडीसी पद के नामांकन के लिए ब्लॉक में जा रहे थे, तभी उन पर और उनकी पत्नी पर हमला कर मारपीट की गई और उनका नामांकन फॉर्म फाड़ दिया गया। इस तरह का आरोप पूर्व ब्लॉक प्रमुख लुटूर राय और उनकी पत्नी के द्वारा पुलिस को दिए गई तहरीर में लगाया गया है। उन्होंने अपनी तहरीर में मोहम्मदाबाद के विधायक अलका राय के भतीजे आनंद राय उर्फ मुन्ना और उनके अनेक साथियों पर मारपीट और पर्चा फाड़ने का आरोप लगाया है। अमरोहा में मतदान के दौरान एक वोटर की जान चली गई। दरअसल 65 साल की उम्र का शख्स वोट डालने गया था। वोटर को वोट डालकर बाहर आते ही दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी जान चली गई। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव आरकपुर माफी में प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे पूर्व प्रधान कमल सिंह को मतदान के दौरान विपक्ष में चुनाव लड़ रहे लोगों के द्वारा गोली मार दी गई। इस पूरे मामले में गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान वर्तमान प्रत्याशी कमल सिंह को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दहशत का मंजर साफ देखा जा सकता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद SP और DM ने मौका का मुआयना किया। पुलिस बल तैनात करके हालात नियंत्रण में किए गए। प्रतापगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पोलिंग बूथ पर दबंगों का आतंक देखने को मिला। दरअसल बूथ पर दबंग मतदाताओं में लड़ाई झगड़ा हो गया। पीड़ितों ने DM SP से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संभल की असमोली पुलिस को अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो सदस्य हाथ लगे हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की एक क्रेटा कार बरामद की है। तलाशी में उनके पास से एक तमंचा और दो कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 9 चोरी की बाइकें भी बरामद की हैं। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बिबियापुर में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधानपति नरेंद्र पाल सिंह की तेज धार हथियार से जान ले ली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। बता दें SP सिटी रविंद्र कुमार के साथ CEO ने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।